हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड्स रिलेटेड। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी 2023 का एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपको होगा, 7 से 10 दिसंबर के बीच, और आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, सुबह और शाम दोनों। एंड डेली बेसिस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का कम से कम मैं 50 वीडियो बना चुकी हूँ बीपीएससी पर, तो आप सभी वीडियो देखिए। और जो मैं डेली बेसिस से अपलोड कर रही हूँ उसको भी देखिए। एंड यह केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए नहीं है, अदरवाइज सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जैसा कि बीपीएससी के जस्ट बाद आपका होगा ईएमआरएस का, एंड और अदर यूपी टीजीटी, यूपी अल्टीग्रेड, एमपी सुपर टेट, सभी के लिए प्रिपरेशन आप कर सकते हैं मेरे चैनल के द्वारा। डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरी सेशन भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। सभी टॉपिक का थ्योरी सेशन स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सही, एक एक नंबर सही आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो बाय व्हाट डू चिल्ड्रेन लर्न फास्टर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल जाने से पहले नकल के द्वारा बच्चे ज्यादातर सीखते हैं, यानी अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? विच आर द फॉलोइंग कम्स अंडर आइसोटोनिक ट्रेनिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि खड़े होकर दीवार को पुश करना, इसमें न तो मांसपेशी लंबी हो रही है, न बढ़ रही है, केवल तनाव बना हुआ है, यानी कि आइसोमेट्रिक है। एंड रोमन रिंग पकड़ना, इसमें भी न मांसपेशी घट रही है न बढ़ रही है, ये भी आइसोमेट्रिक है। राइफल पकड़ना भी आइसोमेट्रिक है। एंड वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि मांसपेशी बढ़ती है और घटती है और तनाव बना रहता है एक समान, तो ये होता है आपका आइसोटोनिक प्रशिक्षण। तो इसमें से वेट ट्रेनिंग आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है और तीनों आइसोमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, मानव संचय का दोहन, नियंत्रक दैनिक नित्यचर्या एंड शैक्षिक प्रक्रिया, ये सभी हैं, बट स्थिर प्रक्रिया आपका नहीं है। स्पोर्ट ट्रेनिंग में कोई स्थिर नहीं रहता, हमेशा एक्टिव रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? When one type of training improvement is only a factor, this principle is called, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भार की विशिष्टता, मतलब ही होता है एक प्रकार का, भार की विशिष्टता कहते हैं। यानी भार प्रशिक्षण वेट ट्रेनिंग जो होता है, कंकाली मांसपेशी जो स्केलेटल मसल्स होती है उसकी शक्ति यानी स्ट्रेंथ और आकार को विकसित करने के लिए एक आम तरह की शक्ति प्रशिक्षण है। यानी कि जो आइसोटोनिक भार प्रशिक्षण क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, जिसमें संकेंद्रित, उत्केंद्रित यानी कि कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक मोमेंट होता है, और द्वारा बल उत्पन्न का प्रतिरोध करने के लिए या गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है, उसमें भार की विशेषता पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म और आर्द्र जलवायु में भारी व्यायाम से ताप का निषेचन हो सकता है, इस और इसकी विशेषता होती है। तो दोस्तों, गर्म जलवायु है, हैवी एक्सरसाइज, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कैन लीड टू हीट एक्सक्यूजन्स एंड इज कैरेक्टराइज बाई। तो दोस्तों, यहाँ पे गर्म आर्द्र जलवायु है, गर्म है और उमस भी है, और इस कंडीशन में व्यायाम करेंगे आप भारी व्यायाम, तो उस कंडीशन में क्या स्थिति हो जाएगी? तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपको हो जाएगी स्थिति भ्रांति, यानी कंफ्यूजन ऑफ पोजीशन, एंड शरीर में घटा हुआ पेशी मरोड़, यानी कि मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मसल्स ट्विस्टिंग, एंड आपका हो जाएगा न्यूनतम पसीना बहना, न्यूनतम
तापमान ज्यादा है तो पसीना ज्यादा बहेगा, न्यूनतम तो होगा नहीं, यहाँ पे चक्कर आना, तो क्या हो जाएगा, स्थिति भ्रांति हो जाएगी, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे एंड पेशी मरोड़ यानी कि मसल्स क्रैम्प हो जाएगा एंड चक्कर आएगा यानी कि आपका चक्कर यानी कि माथा घूमने लगेगा। तो भारी तापमान है, आदत है, उमस है, उस कंडीशन में आप भारी व्यायाम करेंगे तो आपकी स्थिति भ्रांति होगी, पेशी मरोड़ होगा, चक्कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए सी और ई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी निम्न लिखित समूह में हो सकता है, आयरन एफिशिएंसी कैन ओक्यूर इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो दोस्तों आयरन की कमी, आयरन की कमी किसमें हो सकता है, तो ज्यादा देर तक आप क्रिया करेंगे उसके अनुसार से आप पोषक तत्व तो नहीं लेंगे तो आयरन की कमी हो जाएगी, यही सी बात है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे मैराथन धावक, लाल मांस नहीं खाने वाले, रजह स्त्राव महिला, यानी कि मैराथन रनर, दोज हु डू नॉट ईट रेड मीट एंड मस्टुरेशन वुमेन, इस कंडीशन में आपका लौह की कमी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बी डी और एफ, बी डी और यहां पे बी डी एंड एफ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खेल कूद प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है, यहां पे आपको देखना है कि निम्न में से कौन सी खेल कूद प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। तो यहां पे देख सकते हैं पूर्णता की प्रक्रिया, नियंत्रित दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या, मानव गुणों का उपयोग, ये आपका खेलकूद की प्रशिक्षण की विशेषता है। बट आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रदर्शन एक खेलकूद प्रशिक्षण की प्रक्रिया नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने के वस्तुनिष्ठ माध्यमों में सम्मिलित है, प्रशिक्षण भार ज्ञात करने के वस्तुनिष्ठ माध्यमों में सम्मिलित है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग, की सूखे होंठ, की अनिद्रा, की लैक्टिक एसिड का जमाव। तो प्रशिक्षण भार आपको ज्ञात करना है, ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग लोड आर इंक्लूड। तो ट्रेनिंग लोड में हम क्या देखते हैं जब एक्सरसाइज या कोई ट्रेनिंग करते हैं, कि ऑक्सीजन का उपयोग कितना हो रहा है और कितनी देर में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, थकान हो रहा है, यही तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना उपयोग हो रहा है, लैक्टिक एसिड का जमा कितने समय में हो रहा है, ये हमको ध्यान देना होगा प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने के लिए, यानी ट्रेनिंग लोड को ज्ञात करने के लिए। तो वन ऑफ फोर राइट होगा, तो वन फोर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, निष्पादन यानी प्रदर्शन की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक विशेष रूप में निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो फीडबैक होता है, सारे क्रिया करने के बाद जो आपका रिजल्ट होता है, फीडबैक निकाला जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो फिर उन कमियों को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। परफॉर्मेंस फीडबैक इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपका होगा टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी सुधार हेतु होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कौशल को सिखाने में समरूपता में निम्नलिखित शामिल है, एनालॉजी इन टीचिंग ए स्किल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी कौशल को सिखाने में क्या शामिल है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों ए ई डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए ई डी, यानी कि एक समान प्लान के अनुसार शिक्षण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक समान प्लान के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। एंड विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग मानदंड नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे सी होगा फिर कि एक समान मानकों के अनुसार मूल्यांकन, ए ई डी। तो यहां पे आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सुधार एंड व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता। व्यक्तिगत सुधार तो होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता नहीं, सभी को सहायता करना चाहिए। तो यहां पे और क्या हो जाएगा दोस्तों, और सभी के लिए एक समान प्रगति के उद्देश्य से शिक्षण होना चाहिए। तो यहां पे इस के अनुसार दो ही ऑप्शन सही होंगे, ए और डी। क्या होगा? ए और डी, क्योंकि विभिन्न परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग मानदंड नहीं होना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए और एक समान मानकों के अनुसार मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए और डी राइट है। क्या राइट है यहाँ पे? ए एंड डी आपका राइट है, ये याद रखिएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन में वृद्धि बड़ी सीमा तक किसी को छोड़कर निर्भर करती है। प्रदर्शन में वृद्धि बड़ी सीमा तक किसको छोड़कर निर्भर करती है? इंक्रीज इन परफॉर्मेंस डिपेंड्स टू लर्न लार्ज एक्सटेंड ऑन विच वन। तो दोस्तों, प्रदर्शन में वृद्धि जो है बड़ी सीमा तक किसको छोड़कर निर्भर करती है? तो इन सभी में निर्भर करती है, बट एक नहीं है, उसको आपको देखना है। तो किसको छोड़कर निर्भर करती है? तो कोचिंग पद्धतियों में सुधार करेंगे तो प्रदर्शन में वृद्धि होगा, एंड उच्च कोटि की तकनीक और युक्ति का परिवर्तन करेंगे तो भी प्रदर्शन में वृद्धि होगा, एंड बेहतर पोशाक की सहायता करेंगे तो भी प्रदर्शन में वृद्धि होगा, बट समुचित रखरखाव वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आपका राइट नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट पुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्न में से तीन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कौन कौन से तीन पहलू हैं जिसपे शॉर्ट पुट के प्रशिक्षक को ध्यान देना चाहिए? तो वो होगा आपका अधिकतम गति, यानी कि मैक्सिमम स्पीड पर ध्यान देना चाहिए, एंड अधिकतम कोण, अधिक इष्टतम कोण पर ध्यान देना चाहिए, एंड फेंकने की अधिक ऊंचाई पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि अधिकतम गति, अधिक इष्टतम कोण एंड फेंकने की अधिक ऊंचाई पर ध्यान देना चाहिए। तो बी डी और ई आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण कौशल अनेक कारकों से प्रभावित होता है, उनमें प्रमुख है, उसमें प्रमुख होता है विशेष कार्यक्रम कार्यकलाप, यानी कि पार्टिकुलर एक्टिविटी कैसा है उस पर प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पिक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? पिक फोर्स, फोर्स शब्द आया है, यानी स्ट्रेंथ यानी शक्ति की मापन की बात कर रहा है। तो यहां पे होगा ग्रिप डायनेमोमीटर। क्या होगा? ग्रिप डायनेमोमीटर। एंड सीट एंड रिज प्रेशर, क्या फ्लेक्सिबिलिटी एंड हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स की लचीलापन मापता है सीट एंड रिज टेस्ट। एंड स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त ब्लड प्रेशर को मापता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में किसने भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली परियोजना को प्रस्तुत किया था? तो हु इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन इंडिया इन 1953। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट होगा राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग, जो है 1953 में भारत में व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण के लिए पहली बार परियोजना को प्रस्तुत किया गया था। राजकुमारी को खेलों में से बड़ा प्रेम था, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने ही की थी और इस क्लब की वह अध्यक्ष शुरू से ही रही। उनको टेनिस खेलने का बड़ा शौक था और कई बार टेनिस चैंपियन से भी इन्होंने जीती है। तो दोस्तों, पूछ सकता है कि राजकुमारी अमृत कौर कौन सा खेल खेलती थी? तो टेनिस खेलती थी। एंड नेक्स्ट है, नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग इंक्रीज द साइज एंड
क्वांटिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स, व्हाट इज दिस फेनोमिनॉन कॉल्ड। तो दोस्तों ये आपका होता है नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण के कंकाल की मांसपेशी आकार और मात्रा बढ़ता है तो उसे कहते हैं मांसपेशी अति वृद्धि, यानी कि मसल्स हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? मसल्स हाइपरट्रॉफी। एंड जब बिना प्रशिक्षण के अभाव में मांसपेशियां छोटी या कमजोर हो जाती है तो उसे कहते हैं ओट्रॉफी। जब अत्यधिक आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। तीनों चीजों को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है अंश व्यायाम। अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक या एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास किया जाता है किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है प्रैक्सनाइजेशन के रूप में। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यह और अधिक उन्नत लचक प्रशिक्षण है जिसमें लक्षित मांसपेशी समूह का खिंचाव और संकुचन दोनों शामिल है, यह किससे संबंध है? तो दोस्तों दिस इज ए मोर एडवांसेड टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग दैट इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रेचिंग एंड कंट्रक्शन ऑफ द टारगेटेड मसल्स ग्रुप। इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है स्वांतरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण। स्वांतरग्राही तंत्रिका पेशी सरलीकरण यानी कि प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन से संबंधित है। तो दोस्तों यह लचीलापन विकसित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसको पीएनएफ तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीकी या विधि का प्रयोग उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक में वृद्धि, लचीलापन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी में खिंचाव से पहले मांसपेशी का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशी को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष खेल के लिए एक नए कौशल के शिक्षण के समय शिक्षक को निम्न में से कौन सा पहल करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए टीचर इनिटेट व्हाइल टीचिंग ए न्यू स्किल फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। आप न्यू स्किल को सिखा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं तो विशेष रूप से, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या सिखा रहे हैं, कौन सा गेम सिखा रहे हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे। तो क्या हो जाएगा? कौशल का परिचय कराना सबसे पहले होगा, टू इंट्रोड्यूस स्किल्स। ठीक है। एंड उसके बाद दूसरी प्रक्रिया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कैलिस्थेनिक व्यायाम है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं घुड़सवारी, बैडमिंटन खेलना, तैराकी एक खेल के अंतर्गत आता है, परंतु आपका पुशअप जो है आपका कैलिस्थेनिक व्यायाम के अंतर्गत आता है। कैलिस्थेनिक का मतलब होता है मुक्त हस्त व्यायाम। ठीक है। नेक्स्ट है जितनी जल्दी हो सके उत्तेजना के उप अधिकतम तीव्रता के प्रतिरोध से उभर पाने की एक मांसपेशी की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? तो द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू रिकवर फ्रॉम रेसिस्टेंस टू सब मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन एज क्विकली एज पॉसिबल इज नोन एज। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति यानी कि इसके इसका संबंध मध्य उत्तेजनाओं के मध्यम कोटि के उत्तेजकों को निश्चित अवधि में निष्क्रिय करना होता है। यह इसमें गति और शक्ति दोनों का समन्वय होता है। जैसे कि इसमें सभी आपके जंपे आती हैं जो तीव्रतम प्रतिरोध से उबरने का काम करती है मांसपेशी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी व्यायाम जिसमें वजन उठाने और नीचा करना या जोड़ों को खोलना और बंद करना जैसे कि प्रेसिंग या स्क्वेटिंग शामिल है उन्हें क्या माना जाता है? तो दोस्तों इतना बार आप प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप सही आंसर टिक कर दिए होंगे, तो इसका सही जवाब है मांसपेशी
वजन उठाते समय ऊंचा उठा रहा है यानी कि मसल्स का कंट्रैक्शन हो रहा है, फिर नीचा कर रहा है यानी एक्सटेंशन हो रहा है यानी मांसपेशी छोटी और बड़ी हो रही है, और खोल रहा है बंद कर रहा है जैसे प्रेसिंग स्क्वेटिंग एक किस्म में आएंगे, गतिशील व्यायाम यानी कि डायनेमिक एक्सरसाइज जिसमें जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक प्रतिरोधक व्यायाम। ठीक है, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर सी आइसोटोनिक रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट है ऑक्सीजन रीड को कैसे परिभाषित किया गया है, हाउ इज ऑक्सीजन डेप्थ डिफाइंड। तो दोस्तों ऑक्सीजन रीड होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई व्यायाम कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका एक ऐसा दौर आता है कि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जितना शरीर को बॉडी को चाहिए होता है उतना नहीं मिल पाता है, आप थक जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप तेजी तेजी सांस लेने लगते हैं जल्दी जल्दी, तो जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो आप तेजी तेजी सांस लेते हैं जल्दी जल्दी, वही जो कम हुए ऑक्सीजन को पूरा करते हैं वही आपका ऑक्सीजन रीड होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपने सामान्य अवस्था में पुनर्स्थापित करने के लिए शरीर में लेना होता है, यानी आप पुनः पहले वाले स्थिति में आने के लिए जो कमी हुई है ऑक्सीजन की उस कमी को पूरा करेंगे, तो जो कमी को पूरा करने में जितना समय लगता है जो ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं वही होता है ऑक्सीजन रीड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यायाम में से कौन सा एक विशेष उपकरण के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि चाहे जितना हो जोर लगाया जाए गतिविधि एक स्थिर गति से होता है, स्थिर गति यानी कि एक समान गति, तो उपकरण के साथ भी किया जाता है तो कौन सा होगा, आप समझ गए होंगे आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होगा। क्या होगा, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिविधि के एक चक्र का अंत अगले चक्र की शुरुआत है और एक चक्र की तरह कौशल दोहराया जाता है, यह किसके रूप में जाना जाता है, द एंड ऑफ वन साइकिल ऑफ एक्टिविटी इज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट एंड द स्किल इज रिपीटेड लाइक ए साइकिल, दिस इज नोन एज। तो यहाँ पे कौन सा है, यानी लगातार काम हो रहा है, एक चक्र का अंत होते ही अगले चक्र की शुरुआत हो रहा है, रुका नहीं जा रहा है, जब रुका नहीं जा रहा है तो कौन सा होगा, सतत कौशल यानी कि कंटिन्यूअस स्किल, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग यहाँ पे आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इट इज इम्पोर्टेंट टू कूल डाउन आफ्टर एक्सरसाइज बिकॉज इट। तो दोस्तों कूल डाउन यानी शांत होना, कूलिंग डाउन जिसे कहते हैं, जब आप किसी भी कार्य को करने से प्रैक्टिस करने से पहले आप वार्म अप करते हैं, शरीर को गर्माते हैं, उसके बाद जिसे फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में बना रहता है, चोट कम होती है, एंड जब आप कार्य कर लेते हैं प्रशिक्षण कर लेते हैं उसके बाद आपके शरीर में थकावट हो जाती है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, फिर उस थकावट को कम करने के लिए लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए आप कूलिंग डाउन करते हैं, धीमा धीमा चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, एंड आप पानी पीते हैं, गर्म स्नान करते हैं, सावर स्नान सोना बात, एंड धीरे धीरे आप सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे इन तरीकों से क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है शरीर से निकलता है। ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड शरीर से क्या होता है, निकालता है, रिलीज लैक्टिक एसिड आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक व्यायाम का दूसरा नाम क्या है, आइसोटोनिक व्यायाम का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों आइसोटोनिक व्यायाम का दूसरा नाम है गतिशील व्यायाम यानी कि डायनामिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक व्यायाम का दूसरा नाम है डायनामिक एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दाब आधा है, अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दाब आधा है उसमें क्या होगा।
अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे फेफड़ों की जो फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन होता है वो बढ़ जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर प्रत्यक्ष रूप से विरामी हृदय दर में वृद्धि होती है, अर्थात व्यायाम के दौरान खिलाड़ी की हृदय दर जो समुद्र तल पर होती है उससे अधिक हृदय दर यानी कि ऊंचाई पर होती है। हृदय दर मतलब हार्ट रेट, जितना बार आप सांस ले रहे हैं एक मैदान पर आराम से, और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपका हार्ट रेट जो है बढ़ जाता है, यानी कि जो फेफड़े की पल्मोनरी वेंटिलेशन प्रक्रिया है वो बढ़ जाता है। तथा अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा होता है वहीं पर फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मांसपेशियों की अधिकतम ताकत लगाते हुए शरीर के अंगों को तेजी से हिलाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट्स रिपीडली व्हाइल एक्सटेंडिंग मैक्सिमम मसल्स फोर्स? तो वहां पे होता है क्या आपका शक्ति यानी कि पावर आपका राइट होगा, शक्ति यानी स्ट्रेंथ आपका राइट होगा, पावर आपका राइट होगा। तो क्या होगा? पावर आपका राइट होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोटर कंपोनेंट स्ट्रेंथ? तो मोटर कंपोनेंट जो है स्ट्रेंथ को कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित है? तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या हो जाएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, आप देखेंगे कि पोस्ट आइट्रोमेट्रिक इनपुट ए आपका नहीं होगा, फार्टलेग आपका सांसिता डेवलप करती है, तो आपका क्या होगा, प्लायोमेट्रिक्स, क्या होगा, प्लायोमेट्रिक्स आपका स्ट्रेंथ के लिए प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित है। प्लायोमेट्रिक्स यानी कि एक लाइन से बेंच रखा जाता है, उसमें से छलांग लगा के नीचे आ जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे किया जाता है, ठीक है, उसको प्लायोमेट्रिक्स कहते हैं। एक जंप प्रशिक्षण होता है, यह ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाने को प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण कहा जाता है। प्लायोमेट्रिक को यूएसए के फ्रेड विल्ड ने बताया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वक्तव्य खेलकूद प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं? तो आपको देखना है इसमें से कौन से प्रशिक्षण है जो खेलकूद के सिद्धांत हैं। तो सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत है, प्रगति का सिद्धांत है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस ये भी है, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड वार्म अप कूल डाउन सिद्धांत तो है ही। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका सभी के सभी खेलकूद प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से संबंध पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग किया जाता है? विच मेथड यूज बाई इलीट एथलीट टू गेन फ्लेक्सिबिलिटी इनवॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिफोर स्ट्रेचिंग इन इट इन ए अटेम्प्ट टू अचीव मैक्सिमम मसल्स रिलैक्सेशन? तो यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन यानी PNF मेथड, जो लचीलापन बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि होती है। यहाँ पे सभी लचीलापन बढ़ाने की विधि है, डायनेमिक, एबलिस्टिक, स्टैटिक एंड PNF मेथड, ये चारों के चारों लचीलापन को विकसित यानी डेवलप करने की विधि है, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, जिसमें उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लचीलापन हासिल करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन शक्ति विकास की एक विधि के रूप में जिसमें गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती है, इसलिए यह व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है कि वह आसपास के माहौल के अनुसार चाल बदले, तथा यह विधि हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फोर्टलेग विधि, जिसको गोस्टाव हमलर ने 1957 में खोजा था, और इसमें नॉट प्रॉपर प्लानिंग यानी कि पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया जाता है। ये स्वीडिश शब्द है फोर्टलेग, जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले, एंड यह एरोबिक एनएरोबिक दोनों प्रणालियों पर बल देता है, और इसमें गति या चाल पर पहले से योजना नहीं बनाई जाती, इसमें एथलीट अपनी गति को आसपास के क्षेत्र के अनुसार निर्धारित करता है। एंड
ये आपका सहनशीलता डेवलप करता है। याद रखिएगा फॉर्टलेक विधि है, जब कहीं भी आ जाए कि पहले से योजना नहीं बनाई जाती है तो फॉर्टलेक मेथड होगा, एंड पहले से योजना बनाकर किया जाता है तो वेरिएबल पेस मेथड होगा। एंड दोस्तों जैसा कि सहन शक्ति को डेवलप करने की चार विधियाँ हैं, कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन एंड कंपटीशन, जिसके अंतर्गत एक कंटिन्यूस मेथड के अंतर्गत आता है फॉर्टलेक विधि जो सहनशीलता को डेवलप करता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षकों को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया, आप सबको पता है 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोचो यानी प्रशिक्षकों को दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल जगत में अधिकाधिक विशेषता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षक को कैसा बनाए जाने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है, तो यह जोर दिया जा रहा है खेल परक बनाने में यानी कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बनाने में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में बताइए, एंड इसी प्रकार आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।